आज मैं आपको ये करोटन है अरेरिया करोटन, इसको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास गमला था, मैंने इसमें खाली मिट्टी भर ली है। भरने के बाद इसकी हमने 6 इंच के करीब इसकी कटिंग इस तरीके से काट के ये हमने इतनी बड़ी बड़ी कटिंग काट दी। अब ये जैसे ये लगी हुई है, इसको हमने यहाँ से ऐसे काट देंगे। सही है, इस तरीके से इसको काट काट के ये काट काट के इस तरीके से इसमें लगानी है। ये देखते हैं, हमने काट के भी कुछ रखी थी, ये आपको ये दिखा रहा हूँ। ये काट के जो रखी थी, ये इस तरीके से हमें इस मिट्टी में 3 इंच के करीब लगा दी। ये वो पौधा है जो घरों के अंदर लगा हुआ होता है, शोपीस होता है, पार्कों में होता है। ये खूबसूरती इसको इस तरीके से आपको 3-3 इंच ऐसे खाली मिट्टी में लगा देंगे। ये जब आप इस तरीके से इसको लगा देंगे, इसकी ये नई खोखले जो होती हैं वो भी इसी तरीके से ज़मीन में इस गमले में मिट्टी में हल्की सी आड़ी करके भी लगा सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। मौसम ऐसा है कि इसको आप जैसे दिख जाए इस तरीके में लगा सकते हैं। ये 20 से 25 दिन में ये पुटाव ले लेती, तो हम इनको गमलों से अलग अलग करेंगे। जब अलग अलग करेंगे तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अलग अलग होगी। ये अभी हम एक साथ लगा रहे हैं, ये खाली जंगली भी जैसे लग रही है, तो ये भी उठाओ ले लेगी। घरों में लगता है, खूबसूरत लगता है, शोपीस होता है घरों में। किस तरीके से ये गुच्छा बन के तैयार होता है, तो ये घरों के अंदर एक घरों की शोभा बढ़ाता है। तो